देखिए, आज का ये फैसला जो माननीय लोकसभा स्पीकर ने लिया है, और जाहिर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मदद से लिया है, इसे मैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसलों में से एक मानता हूं। एक व्यक्ति जिससे सत्ता प्रतिष्ठान के बहुत निकट के संबंध है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, बड़े बड़ा कारोबार है, उनको ढकने की यह पूरी कवायद हो रही है। जस्टिस की कुछ प्रीरिक्विजिट होती है कि कैसे काम करते, ऑपरेटिव फ्रेमवर्क क्या है। कम से कम आप सुनते तो, वो भी आपको गवारा नहीं। जो चीज आपके मैंडेट में नहीं है वो आप कर बैठे, तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि आपने ये संदेश दे दिया है कि गोडसे को देशभक्त बताने वाला गांधी के हत्यारा वो संसद में बैठे हैं। माइनॉरिटीज के खिलाफ तमाम गाली और अपशब्द बोलने वाले वो संसद में बैठे हैं। महिला पहलवानों की उतनी शिकायतें और जिसके वर्णन में मैं नहीं जाना सकता, वो संसद में बैठेंगी, महुआ मोहित्रा नहीं बैठेंगी। दोष क्या है? दोष यह है कि एक बड़े महापुरुष पे सवाल पूछने की उन्होंने कोशिश की। अगर आपको लगा कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जो कि पूरा धुंध है, अब बात कर सकते थे। ये एक स्विम स्टेप लेकर के आपने बता दिया है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स।